गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शोभा पानी ब्लॉग। मेरा नाम है, अभी तो मैं तो जान ही रहा हूँ। मैं आपको मंदिर सुनाऊंगा। ओम बच्चे बड़े भर्गो देव भगवस धीमहि। हेलो गाइस, अब करिए आज के भगवान जी के दर्शन। हैरी स्कूल जा रहा है, देखिए आज सुबह सुबह मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक नई चीज। ये बन रही है गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी। इससे पहले गाइस मैं हाथ से जो ब्लेंडर आता है हाथ से बना लेती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने बताया कि इससे बनाओ, इससे बहुत टेस्टी भी और इसमें मक्खन भी आ जाता है। ये देखिए अभी मैं आपको इसका मक्खन भी दिखाऊंगी। जैसे ये 15-20 मिनट में हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका मक्खन। इसको कहते हैं मधानी। ये बन रहा है, ये रहा दोस्तों फ्रेश फ्रेश छाछ या लस्सी जो भी आपको पीनी हो। एंड ये बटर, फ्रेश बटर घर का। देखिए वो जो मैंने अभी सुबह से मैं जिसमें लगी थी छाछ और लस्सी बनाने में और बटर बनाने में, वो अब निकल चुका है। देखिए आप लोग, गर्मी में बहुत तेज गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी का मज़ा आप भी लीजिए। ये रही गाइस हमारी रेखा बहन झाड़ू पोछा करते हुए, डेली का रूटीन। बहुत अच्छी लेडी है बेचारी। चलिए दोस्तों अब बनाना स्टार्ट करते हैं लंच। दोस्तों देखिए आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, यहाँ की स्टाइल में, पहाड़ की स्टाइल में नहीं, यहाँ जहाँ हम रहते हैं गुजराती स्टाइल में। यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा घी डाल के कुकर में ये डाल देंगे, जीरा, ये राई दाने, ये हींग भी। बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, कभी यहाँ खाते होंगे लेकिन जो बाहर के व्यूअर्स हैं वो देखिए। फिर लहसुन, लहसुन ये प्याज, थोड़ा सा प्याज बस इसको हिला लो, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये इसमें पहले थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि प्याज अच्छे से हो जाए। दोस्तों मैं खाना बनाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे गाने सॉन्ग सुनने का बहुत ही शौक है। देखिए मैं कौन सी करूँगी, बैठ बना मेरी गाड़ी में। मुझे बहुत शौक है गाने सुनने का। ये प्याज जब हो जाए, प्याज जब हो जाए तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें घी कम, घी मतलब 2 चम्मच घी में बन गई, थोड़ी सी बन गई हस्बैंड के लिए। बाकी हैरी थोड़ा सा पसंद करता है, मुझे भी पसंद है, लेकिन नहीं खाती हूँ। अब इसमें मसाला, इसमें मसाला डालना है जीरा धनिया पाउडर एंड हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची। चटपटी खिचड़ी बनेगी दोस्तों, बनेगी चटपटी खिचड़ी। इसमें क्या है, इसमें हम लोग कड़ी पत्ता, पहले ही जब मैं चावल और दाल भिगो के रखती हूँ ना तो कड़ी पत्ता भिगो देती हूँ, इससे क्या होता है इसका जो टेस्ट है इसमें आ जाता है पहले। ये देखिए कभी कभी कुछ डिफरेंट ट्राई करना भी अच्छा लगता है। दिन में रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी से भी बोर हो जाते, तो मैंने सोचा चलो आज खिचड़ी बना लो। खिचड़ी के साथ ठंडा ठंडा दही, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है ये दही। ये दही है बस, हमारे मसाले हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारी दाल। ये डाली अब मैंने दाल चावल भिगोए हुए, बस इसमें 2 सीटी में तो ये आराम से, थोड़ा पानी
ज़्यादा ही पड़ेगा तो क्या होती है, एकदम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा सा उबलने पे इस पर डाल देंगे हम, इस थोड़ा सा उबलने पे इस पर कुकर का लीड फिट करके बस दो सीटी में तो ये खिचड़ी बन के तैयार, टेस्टी भी एंड हेल्दी भी। ये बन रही है मेरी भिंडी की सब्जी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, दोनों को, इसलिए वो आज खिचड़ी चावल कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ भिंडी की सब्जी रोटी। आज मैं स्कूल से आ गया हूँ और मेरी मम्मा ने आज मेरा फेवरेट लंच बनाया है, खिचड़ी। देखो खिचड़ी और रोटी सब्जी किसकी? भिंडी की। गाइस देखिए यम्मी यम्मी खिचड़ी हैरी की। ये रहा दोस्तों आज का हमारा यम्मी लंच, रोटी, भिंडी की सब्जी, न्यूट्रीला कैप्सिकम, दही एंड खिचड़ी यम्मी यम्मी एंड खीरा, एंड ये रहा हमारा हैरी। गाइस ये शाम के 4:30 हुए हैं और धूप के साथ अचानक तेज बारिश, धूप के साथ अचानक तेज बारिश। मैं अंदर लेटी थी तो एकदम से आवाज आई तो देखा कि बारिश शुरू हो गई, बारिश भी बहुत बढ़िया वाली, झमाझम एकदम। देखिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए, ये लीजिए बारिश का मजा। गाइस देखिए अभी अभी एक्सरसाइज फिनिश हुआ, मजा आ जाता है गाइस। हर लेडी को अपने लिए, एक हाउसवाइफ को तो स्पेशली, क्योंकि वर्किंग लेडी तो एक बार को बाहर जा सकती है कुछ एक्सरसाइज की होती है, हाउसवाइफ तो दिन भर घर के काम अपने लिए टाइम नहीं निकाल, लेकिन हर हाउसवाइफ को एटलीस्ट हाफ एन आवर तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। इससे ये भी लगता है ना कि हाँ हमने अपने लिए कुछ किया भी है। चलिए अभी अपना चाय वाय पी के फिर मिलती हूँ आपसे।